दोस्तों क्या आप भी लेना चाहते हैं न्यूजीलैंड का वर्क वीजा? क्या आप भी जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड और 2 से 3 लाख रुपए महीने की सैलरी उठाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूजीलैंड की मोस्ट डिमांडिंग जॉब के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यूजीलैंड में अवेलेबल डेयरी फार्मिंग जॉब्स के बारे में। साथ ही दोस्तों आपको डेयरी फार्मिंग जॉब्स के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन फार्म रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं उन जॉब्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आप ये जॉब सिक्योर कर लेते हैं तो आपको आराम से न्यूजीलैंड का वर्क वीजा मिल सकता है दोस्तों, और उसके बाद आप निवासी भी बन सकते हैं, आपको पीआर मिल जाएगी दोस्तों, और फिर आप अपनी फैमिली को लेकर के वहां जाकर के शिफ्ट हो सकते हो दोस्तों और आराम की ऐश की जिंदगी जी सकते हो। आज की इस वीडियो में अगर आप न्यूजीलैंड की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए एक मस्त वेबसाइट लेकर आया हूं दोस्तों, जिस वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग जॉब्स पोस्ट की जाती है। अगर आप न्यूजीलैंड में फार्मिंग की जॉब करना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए जो वेबसाइट लेके आया हूं ये आपके लिए एक वरदान होने वाली है दोस्तों। इस वेबसाइट पे आप जो है मुफ्त में अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं और जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जी हां, आपको किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आपको बस जो प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उस प्रोसेस को फॉलो करना है। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप स्क्रीन पे किसी भी स्क्रीन पे जाकर के जो है जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आपको जो है लैपटॉप में ही जॉब अप्लाई करना होता है, आप अपने मोबाइल फोन में कर सकते हो, और फिर से एक बार बताऊंगा कि मुफ्त में कर सकते हो, 1 रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप इस वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब सर्च करके अप्लाई करने का तरीका जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन, और आज की इस वीडियो में बात होने वाली है न्यूजीलैंड के फार्मिंग जॉब्स की। अगर आप इस वेबसाइट पर जॉब सर्च करना चाहते हैं दोस्तों तो बस जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो में आगे, उस प्रोसेस को फॉलो करिएगा दोस्तों और अच्छी तरीके से फॉलो करिएगा, और फिर जिस तरीके से मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा आपको भी बस उसी तरीके से अप्लाई कर देना दोस्तों। लेकिन एक और बात बता दूं कि न्यूजीलैंड में अगर आप फार्मिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फार्म रिलेटेड आपको एक सीवी और कवर लेटर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है दोस्तों आपको उस सीवी और कवर लेटर को अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड फॉर्मेट का सीवी कवर लेटर होना चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहें तो खुद के लिए बना सकते हैं गूगल की मदद से, अगर खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, जल्दी से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना सीवी कवर लेटर बनवा लीजिए और फिर जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए ताकि आपको भी जल्द से जल्द रिस्पॉन्स आ सके दोस्तों और आपको भी मिल सके न्यूजीलैंड का वीजा। अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, अभी आपको मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके चलता हूं और अप्लाई और सर्च करने का पूरा तरीका बताता हूं, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया कि आज के इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड की फार्मिंग जॉब्स की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें जो है गूगल पर टाइप कर लेना है न्यूजीलैंड फार्मिंग जॉब्स। जैसे ही हम ऐसा सर्च करते हैं दोस्तों हमारे सामने जो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, अलग अलग वेबसाइट्स, और वो फार्मिंग जॉब्स शो कर रही हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले नंबर पर वेबसाइट जो है trademe.co.nz, यानी NZ जो है दोस्तों न्यूजीलैंड का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर NZ यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक और वेबसाइट आ चुकी है दोस्तों, जो जिसका नाम मैंने सुना नहीं आज तक। उसके बाद यहाँ पर एक मतलब एक कलेक्टिव सी वेबसाइट आ चुकी है जहां पर जो है आपको हर जॉब देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, सीक पे अवेलेबल जितनी भी फार्म जॉब्स है दोस्तों न्यूजीलैंड में वो सारी की सारी आ चुकी है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं nzfarmsource.co.nz, यानी कि एक फार्म सोर्स करके वेबसाइट है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, इस पर भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बैकपैकर बोर्ड, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो जोरा, उसके बाद सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो लिंक्डइन, और यहाँ पर ट्रेडमी वगैरह है। उसके बाद यहाँ पर एक वेबसाइट है दोस्तों जिस वेबसाइट का नाम है न्यूजीलैंड फार्मिंग जॉब्स, वेबसाइट का नाम ही है फार्मिंग जॉब्स, आप देख सकते हैं https और nzfarmingjobs.co.nz। यहां पर हम जो है इस वेबसाइट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड एंड ग्लोबल फार्मिंग जॉब्स अवेलेबल, फाइंड योर ड्रीम फार्मिंग जॉब टुडे, यहाँ पर लिख करके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीवर्ड, लोकेशन और फाइंड जॉब्स करने का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कीवर्ड डाल सकते हैं, सपोज आप फार्म वर्कर की जॉब ढूंढना चाहते हैं या डेयरी फार्म वर्कर की जॉब ढूंढना चाहते हैं या फिर ट्रैक्टर ऑपरेटर की जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो वो आपको जो है कीवर्ड वाले ऑप्शन में लिख लेना है, और लोकेशन अगर आपकी कोई प्रेफर्ड लोकेशन है तो आप वो डाल सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज डायरेक्ट फाइंड जॉब्स पे क्लिक करके जो है आप यहाँ पर अवेलेबल जॉब्स के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए 51 जॉब्स अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेफर्ड की जॉब अवेलेबल है, ट्रैक्टर ड्राइवर जनरल वर्कर की जॉब अवेलेबल है, लीड मैकेनिक की जॉब अवेलेबल है, फार्म मैनेजर की जॉब अवेलेबल है, उसके बाद एक्सपीरियंस शेपर्ड जो कि मतलब भेड़ बकरी चराते हैं उन लोगों की जरूरत है दोस्तों, यहाँ पर आप शेपर्ड देख सकते हैं। उसके बाद एग्री केमिकल एप्लीकेटर की जॉब अवेलेबल है, स्प्रे वगैरह जो करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ड्राई स्टॉक फार्म में जॉब अवेलेबल है, हेड शेपर्ड की जॉब अवेलेबल है, परमानेंट एक्सपीरियंस्ड फार्म हेल्प की जॉब अवेलेबल है, उसके बाद स्टॉक मैनेजर पोजीशन की जॉब अवेलेबल है, उसके बाद जनरल शेपर्ड, उसके बाद फार्म हैंड। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, लोड मोर पर क्लिक करेंगे तो और भी जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी, जनरल फार्म वर्कर, फलाना फलाना फलाना
है, स्प्रे ऑपरेटर, उसके बाद ट्रैक्टर ऑपरेटर, मशीनरी एक्सपीरियंस शेफर्ड, उसके बाद देख सकते हैं स्टॉक पर्सन, ट्रैक्टर ड्राइवर्स, होराइजन फार्मिंग, उसके बाद और लूड मोर का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। ये सारी की सारी जानकारी आप जो है यहाँ से ले सकते हैं, जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। ये तो मैंने आपको फाइंड जॉब्स पर क्लिक करके बताया था कि कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फीचर्ड जॉब्स का भी एक ऑप्शन होता है दोस्तों, जहाँ पर ऑलरेडी जो है जॉब्स अवेलेबल होती हैं, आपको कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस स्क्रॉल करिए और स्क्रॉल करके जो है जॉब्स के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ व्यू ऑल जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी जॉब्स फिर से आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप डेयरी से रिलेटेड जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपको डेयरी से रिलेटेड जॉब सर्च करना है तो बस यहाँ डेयरी टाइप कर लीजिए। डेयरी टाइप करने के बाद लोकेशन में कुछ डालने का ऑप्शन आएगा, लोकेशन हमें डालना नहीं है, हमें बस फाइंड जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं 14 जॉब्स आ चुकी हैं डेयरी से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर ड्राइवर की जॉब अवेलेबल है, ड्राई स्टॉक फार्म की जॉब अवेलेबल, फार्म हैंड, सारी डेयरी फार्म पे जॉब अवेलेबल है दोस्तों। इन सभी जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अभी एग्जैक्ट डेयरी फार्म वर्कर की जॉब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आपको जो है बस यहाँ पर इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहना है दोस्तों। अदरवाइज आप सीक, ट्रेडमी, जोरा, बैकपैकर वगैरह जैसी वेबसाइट जो है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जो है स्पेशली सिर्फ फार्म रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल होती हैं, बाकी की कोई जॉब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली जॉब पे क्लिक कीजिए। जॉब पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है पर घंटे, उसके बाद कब तक ये जॉब अवेलेबल है ये भी देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद नीचे जो है जॉब डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लेना है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि बिना जॉब डिस्क्रिप्शन देखे जो है जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है दोस्तों। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप जो है इसके लायक हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है एक छोटा सा फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इस फॉर्म को जो दोस्तों हमें सिंपली फिल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम डालने का ऑप्शन है, ईमेल डालने का ऑप्शन है, फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन है, रेज्यूमे अपलोड करना है, कवर लेटर अपलोड करना है, उसके बाद जो है कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर टाइप करके जो है अप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। बहुत ईजी सा प्रोसेस होने वाला है दोस्तों, इस ईजी से प्रोसेस को फॉलो करके आप यहाँ पर अवेलेबल किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको जॉब के अंडर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडीज़ भी देखने के लिए मिल जाती हैं दोस्तों, जिन ईमेल आईडीज़ पर आप डायरेक्ट सीवी भी भेज सकते हैं। तो अगर आप न्यूजीलैंड में फार्मिंग की जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि एक बार इस वेबसाइट पर जरूर आएं और यहां पर आकर के जॉब्स के लिए अप्लाई करें। देखा दोस्तों कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है, आप इजीली इन जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं, अपनी पसंद की जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं दोस्तों। जॉब टाइटल डाल के भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं या फिर वहां जो जॉब ऑलरेडी पोस्टेड है दोस्तों उनमें से स्क्रॉल करके भी अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं। एक बार जब आपको जॉब मिल जाती है अपने पसंद की, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है और उसके बाद रिक्वायरमेंट चेक करना है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं तभी जॉब के लिए अप्लाई करना है दोस्तों, और वहां जो ईमेल आईडी वगैरह दी गई है उस पर अपना सीवी और कवर लेटर सेंड कर देना है। फिर से आपको बोलूंगा कि न्यूजीलैंड फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर होना चाहिए दोस्तों, खुद से बनाना है तो गूगल इस्तेमाल कीजिए, खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, हम इस्तेमाल होने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।